एंडी इनका बजट डबल कर दिया गया है। एजुकेशन में हम एक नई यूनिवर्सिटी लद्दाख यूनिवर्सिटी करके लेह में दे रहे हैं और 40 नए कॉलेजेस 250 करोड़ की लागत से पूरे प्रदेश में लगाएंगे। ऑल स्कूल्स जो हैं उनमें बेंचेस नहीं होती थी, ज़मीन में बच्चे बैठते थे, सब में हम बेंचेस देंगे, ड्रिंकिंग वाटर देंगे, डेस्क देंगे और कोचिंग आईएएस केएएस जी नीट इस सब की व्यवस्था करेंगे। एसएसएस 1000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं। हेल्थ में हम 100 करोड़ रुपये का इक्विपमेंट और बिल्डिंग्स में हम 350 करोड़ दे रहे हैं सबको पूरा करने के लिए। पावर सेक्टर में 300 करोड़ बैलेंसिंग वर्क जो बीच में रुका हुआ है उसके लिए कुछ लाइनों का चक्कर है वो सब ठीक करने के लिए दे रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर के लिए 1500 करोड़ दे रहे हैं। रोड्स के लिए 1000 करोड़ जो लैंग्विशिंग प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा करने के लिए दे रहे हैं। 400 करोड़ मैक्डमाइजेशन जिस ये बहुत ज़रूरी और बहुत इसकी डिमांड रहती है उसके लिए दे रहे हैं। ये 4 times है जो अब तक मिलता था। अर्बन एक्टिविटी के लिए 500 करोड़ सीवरेज के लिए दे रहे हैं क्योंकि सीवरेज की सीवियर क्राइसिस है श्रीनगर में भी, जम्मू में भी, पहलगाम में भी और गुलमर्ग वहाँ पे, और बहुत बुरा हाल है सीवरेज का। तो उसके लिए हम लोग अर्बन यहाँ रोड्स के लिए 1000 करोड़, लैंग्विशिंग जो सड़कें जो रुकी हुई हैं उसके लिए दे रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर के लिए 1500 करोड़ रुपया दे रहे हैं और ये रोड्स के लिए जो 1000 करोड़ दे रहे हैं, हाँ ये मैंने बता दिया, 400 मैक्डमाइजेशन के लिए। अर्बन सेक्टर को 500 करोड़ सीवरेज के लिए, 100 करोड़ नए सिटी जम्मू और श्रीनगर के लिए और बसेस जो पुरानी हैं उनको रिप्लेस करने के लिए 50 करोड़ लोकल ट्रांसपोर्ट की। कल्चर को हम इस बार 25 करोड़ रुपया आर्ट और कल्चर के लिए खर्चा कर रहे हैं और यूथ के लिए ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको देखिए आप, 350 करोड़ रुपया हम स्पोर्ट्स के लिए दे रहे हैं।